नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ एक विचारधारा शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर वो एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। नहीं, झूठ को आप कितनी बार भी बोले, झूठ झूठ ही रहेगा, क्योंकि वो कभी सच नहीं बन सकता, क्योंकि वो झूठ है। और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, बहुत सारी कॉन्स्पिरसीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को अभी से फॉलो करने लगी हूँ, जहाँ पे इन कॉन्स्पिरसीज में मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट किया गया है। जब आर्टिकल 370 निकला तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, खून की नदियां बह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज वही सेलिब्रिटीज कश्मीर में जाके अपनी हनीमून की पिक्चर्स ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं। जब सीए कानून आया तब ये सेलिब्रिटीज, जॉबलेस सेलिब्रिटीज, 2 रुपए वाले सेलिब्रिटीज ने बोला कि ये कानून भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। आज तक 1 साल हो चुका है, किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं गई, क्योंकि ये कानून नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था, ये कानून नागरिकता देने वाला कानून था, वो भी भारत के 3 नेबरिंग इस्लामिक देशों के माइनॉरिटीज को, क्योंकि ये लोग सालों से धर्म के आधार पर प्रताड़िता फेस करते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बहुत सारी स्पेक्युलेटिव थ्योरीज मार्केट में आई। मैंने भी इन स्पेक्युलेटिव थ्योरीज के ऊपर आवाज उठाई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मैं बहुत अफेक्टेड थी एज एन इंडिविजुअल। मगर जो भी स्पेक्युलेटिव थ्योरीज हैं, अगर वो स्पेक्युलेटिव हैं, अगर वो झूठ है, तो वो कभी भी सच साबित नहीं हो सकती। ये बात मैं सभी को कहना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी के नेता ने अगर बोला कि सुशांत सिंह राजपूत एक पार्टी में गए थे और उस पार्टी में उनकी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि दिशा सेलिन कोई पार्टी में गई थी जहां पर उनका बलात्कार हुआ, तो ये उनका कहना है। मगर अगर उनका ये कहना सच नहीं है, अगर वो एक झूठ है, तो वो झूठ ही रहेगा, क्योंकि एक झूठ को आप 100 बार भी बोलेंगे तो भी वो झूठ झूठ ही रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो कहा वो झूठ है, मगर मैं आपको उदाहरण दे रही हूं, क्योंकि अभी तक मैं ये थियोरी को सपोर्ट नहीं कर रही हूं। मैं सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट कर रही हूं। मेरे लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत अगर आत्महत्या भी है तो भी वो एक खून है, क्योंकि उनको वो करने के लिए पुश किया गया और उनके आजू बाजू सिचुएशंस क्रिएट किए गए कि वो ऐसा करें। मगर पार्टी की थ्योरी, दिशा सेलियन की बलात्कार की थ्योरी, अगर ये एक झूठ है तो झूठ ही रहेगा, क्योंकि 10 बार 100 बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। ये उदाहरण देते हुए अब मैं कह रही हूं सभी लोगों से जो समझते हैं कि मैं बीजेपी की चमची हूं, मैं नहीं हूं। अगर मैं बीजेपी की चमची होती तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये थ्योरीज, ये स्पेक्युलेटिव थ्योरीज को भी ब्लाइंडली सपोर्ट करती, मगर इन थ्योरीज का मैंने कोई अभी तक सबूत नहीं देखा पब्लिक डोमेन में। मगर आज की तारीख में फार्मर्स बिल मैंने पढ़ा है, मैंने फार्मर्स बिल के बारे में जो मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं उनकी इंटरव्यूज ली है, उन्होंने डिटेलिंग में बताया है कि फार्मर्स बिल कैसे फार्मर्स के हित का बिल है, और ये फार्मर्स बिल फार्मर्स इतने सालों से चाहते थे। फार्मर्स चाहते थे कि वो मंडी सिस्टम के अलावा भी अपनी क्रॉप बेच सके। मंडी सिस्टम भी खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट एपीएमसी तो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने बिना सब लोग इन पंजाबी सेलिब्रिटीज द्वारा मिसलीड हो रहे हैं, जो कैनेडा से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं अपना 2 मिनट का फेम लेने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, इंटरनेशनल षड्यंत्र हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये आप सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जितना गंद घोलता है उसको उस गंद का फल जरूर मिलता है। अभी तक हम आपकी बकवास सुन रहे थे, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी सही तरीके से आप लोगों को आप लोगों की भाषा में समझाएंगे तो आप लोग कुत्ते की तरह यहां से भाग जाएंगे। तो जितना ड्रामा करना है आपको कर लीजिए, 2 महीने से आपका ड्रामा देख रहे, 1 महीने और कर लीजिए, मगर 100 बार भी अगर आप बोलेंगे कि फार्मर्स बिल फार्मर्स के खिलाफ है, तो ये झूठ सच नहीं होगा। ये कहकर
सिर्फ इतना ही कहना है कि हाँ मैं अपने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती हूं, मैंने उनको अपना मत दिया है, मैं भारतीय नागरिक हूं और मैं यू नो बिलीव करती हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई बिल पास ही नहीं कर सकते जो फार्मर्स के खिलाफ है, मगर ये बिलीव को सपोर्ट किया है मैंने वो बिल को पढ़कर, वो बिल के बारे में जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करके, मगर ऑब्वियसली एक आउटसाइड फोर्स है जो लोगों को गुमराह कर रही है। तो लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है, जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग ये षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, 100 बार झूठ बोलने से झूठ झूठ ही रहेगा, सच नहीं बनेगा। नमस्ते, जय हिंद।